जब मैं मुंबई आई तो हमारा इत्तेफाक हुआ एकजुट से, और मैंने वहाँ इकबाल नियाज़ी साहब को देखा पृथ्वी में, हमेशा देखती थी तो फिर पता लगे लिखते भी हैं और हर नाटक देखते हैं। और उनमें एक बहुत अच्छी खूबी क्या है कि अगर कोई नाटक कर रहा है, अगर मेरा नाटक अगर उन्हें पता लगता है तो उस तरह से पब्लिसिटी जैसी कोई बात नहीं करनी होगी, हमें पोस्टर लगा रहे हैं या न्यूज़पेपर में दे रहे हैं। इकबाल साहब अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि उसका इश्तहार हो जाए, बहुत लोगों को बोलते हैं, बहुत लोगों को मैसेज करते हैं। उनमें मैंने एक बात पाई कि वो थिएटर को एक बहुत अहम दर्जा देते हैं, और थिएटर में जितना टाइम वो देते हैं और जिस मुकाम पर आज हैं, तो उनका हैट्स ऑफ टू हिम कि अगर उर्दू एकेडमी का फेस्टिवल जैसा सक्सेसफुल है, ये सेकेंड डे है और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा तीसरा नाटक था, बहुत बढ़िया है, और इकबाल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जितने भी अमेच्योर लेवल और प्रोफेशनल या कमर्शियल थिएटर करने वाले, इन्होंने सबको जोड़ा हुआ है, सबके साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह करते रहें आगे और हम लोगों को बुलाते रहें ऐसे। तो मैंने देखा उनके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और वो आज की जनरेशन, डिजिटल जनरेशन जो है, वो भी अपने बाकी प्रोफेशंस को छोड़ के, बाकी मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो कि इंजीनियर भी हैं या टीचर्स भी हैं, वो सब अपने साथ उन्होंने जोड़ा हुआ है। उनका शायद कोई सपना है, उनसे कभी मेरी उस तरह से तो बात हुई नहीं कि क्या सपना है, लेकिन मैंने ऐसा अनुभव किया, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि नहीं, वो शायद थिएटर को कहीं और पहुंचाना चाहते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं।